का अपहरण करता है मैडम मैडम देखिए ना उसको उसके जैसा गरीब असहाय दुर्बल लाचार अपहरण करता हम आज तक नहीं देखे देखिए ना मैडम कैसे अपने दुखों के पहाड़ को रिक्शा पर लाद कर यहाँ फिरौती मांगने आया है बेचारा मुझे बहुत घृणा आ रही है मैं तो सोचू कुछ सामने से जाके किडनैप हो जाती हूँ बिना मांगे फिरौती के 2-3 हज़ार दे दूंगी और 3-4 जोड़ी कपड़े भी दे दूँ बाप रे बाप संतू जी कितना प्यारा सा मासूम सा क्यूट सा भोला सा सुंदर सा स्वीट सा प्यारा सा दिल है आपका संतू जी मैं तो कहती हूँ होने देते फिरौती ले जाने देते इन्हें पैसे है ना अमाओ टोपा इंसान दोनों की दोनों चुप करोगे बकैती किए जा रहे हो कब से से मिस को बताइए गरीब के मोबाइल का बैलेंस बिना उसके उम्मीद की तरह होता है लगाते ही खत्म हो जाता है देखिए बेचारा चीते फोन भी तो देखना फोन कौन सा है कैमरा तक नहीं बेचारे ने आज तक सेल्फी तक नहीं ली होगी रो देंगे अब उसका हाल देख के करो करो कॉल बैक करो हाँ हाँ हेलो प्रणाम रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई अरे काम की बात करना जेंटलमैन ऐसे ले आए हाँ तो पहले पैसे दो नहीं पहले मम्मी जी फिर पैसे नहीं पहले पैसे दो बिल्कुल नहीं पहले मम्मी जी दो फिर पैसे लो तुम उधर से पैसे फेंको हम इधर से मम्मी जी को फेंकते हैं हाँ? अरे नहीं नहीं मेरा मतलब है मम्मी जी को भेजते हैं हाँ, हाँ, हाँ। पैसे बीच में वहाँ रख दो रास्ते में ए बाबू ए अब क्या मुंह दिखाई पैसा लोगे तुम ये हटाओ अरे हटाओ नहीं यार भाभी अब का हूँ हटाइए चलिए मास्क हटाइए चेहरा दिखाइए ये क्या का अरे ये दोनों तो हमारे नौकर हैं रमा और रामू हम का बात कर रहे हो भाई मैया के सासू मैया क्यों किया ये मैम साहब हमसे गलती हो गया लेकिन ये सब हमारी गलती नहीं ये सब हम माँ जी के कहने पे किए हैं अरे बोलिए ना मैडम जी मुंह का है चुप किए बैठी है आपके कहने से ही तो किया है बता दीजिए इनको कि हम कौन किडनैपर नहीं है हम आपके सेवक हैं बता दीजिए इनको मम्मी जी हाँ तो बताइए आपने अपने ही अपहरण का ये फर्जी ड्रामा काहे किया आपको पैसे काहे चाहिए इन दोनों के लिए और किसके लिए ये इन दोनों के लिए और नहीं तो क्या गाड़ी जैसी फजूल चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे बस इनकी फजूल खर्ची रोकने के लिए मैंने ये नाटक किया लेकिन आप पुलिस वालों ने मेरे उस नाटक का बेड़ा गर्क कर दिया स्यापा। अच्छा अच्छा मतलब आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आपकी भी बहू बहुत खर्चीली है वाह क्या बात है नहीं इसमें वाह का बात है कक्का बात है अरे
हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई तो सास ऐसी निकली ना जो अपनी खर्चली बहू के खर्चों पर लगाम लगा सके। नहीं मतलब आजकल की बहू है, सुनती कहाँ है किसी सास की। पैसा आया नहीं कि फुर। आपने कोशिश तो की। हाँ की ना कोशिश की, गैर कानूनी कोशिश किया इन्होंने। अरे नहीं यही सही है। हाँ ये आजकल की बहुएं कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, इसलिए जो मन में आता है वो करती हैं, और हम जरा सा फजूल खर्ची के लिए टोक दें तो हम ही मुजरिम। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और बहुत बढ़िया कह रही हैं। बोलिए बोलिए आगे बोलिए। थैंक यू मैडम। पास ही होना थोड़ा। मैडम आपको पता है हमारे जमाने में हम भी बहुएं होती थी, लेकिन हमारी कभी मजाल होती थी कि हम ये कर जाएं? हिम्मत ही नहीं होती थी। बिल्कुल, लेकिन आजकल की बहुएं जब देखो फजूल खर्ची करती रहती हैं। आप सुन लो मैडम, टैक्सी में जाना है इनको। बताइए। सरकार ने इतनी बड़ी बस दी है लाखों रुपए की, उसका चार डाल ले, और फिर वो क्या कहते हैं वो ब्रांडेड कपड़े और जूते, और 2000 के धूप के चश्मे। नहीं नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए। हाँ भाई, इनका तो यही लाइफस्टाइल है, जो मर्जी कर लो, फिर चाहे इसके लिए इनके घर के बर्तन भांडे बिक जाए। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप बहन जी, आजकल की बहुएं ऐसी हैं सारी की सारी, उनको पैसे की कीमत ही नहीं है कुछ। नहीं पुष्पा जी आप एक काम कीजिए, आप केस सॉल्व कर लीजिए, अकेले कर लीजिए, हम चले जाते हैं। चलो संतू। चल चीते। संतू। संतू। सॉरी। नहीं नहीं आप बोलिए, आप सीनियर है। नहीं क्या वैल्यू नहीं होती है बहुओं को, क्या उनको कीमत समझ में नहीं आता है, क्या हमको नहीं पता कि कब कहाँ कैसे खर्च करना चाहिए, और हम कहते बचाना क्यों है, किसके लिए बचाना है, काहे बचाना है। अरे आप क्यों लाल पीली हो रही हैं, मैं आपको थोड़ी कह रही हैं। आप रुकिए ना, आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ पुष्पा जी तो हम कह रहे हैं, लेकिन मैडम केस मारा है, खुद को किडनैप करने के जुर्म में आपको अंदर डाल दे जेल के। कैरी ऑन। हाँ हाँ पुष्पा जी, काहे बचाना है, किसके लिए बचाना है हमको बताइए ना, नहीं हम क्या उखाड़ लेंगे पैसा बचा के, छाती पे रख के तो जाएंगे नहीं, है कि नहीं है। और बुढ़ापा अगर आ जाएगा तो क्या बुढ़ापे में पहनेंगे क्या ये ब्रांडेड वॉच ब्रांडेड कपड़े। और रही बात अपने बच्चों के लिए बचाने की, तो पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। मतलब संतु ये कि अगर संतान अच्छा हो गया तो पैसे बचाने का क्या जरूरत है, वो खुद कमा लेंगे ना मेरे तरफ, और अगर संतान खराब निकला तो फिर क्यों बचाना है, वो तो सब उड़ा देंगे ना चीते की तरह। नो संतु जी नो। हमारे कहने का मतलब है कि बचा के कुछ नहीं होता है, जिंदगी जीना है तो हर पल जियो यार। बकवास, सब बकवास है, बचाया हुआ पैसा कमाए हुए पैसे जितना ही होता है, अब बुरे वक्त में पैसा ही तो काम आता है, क्यों बहन जी। बिल्कुल नहीं, जब पैसा होगा तो बुरा वक्त काहे आएगा पुष्पा जी। अरे एक मिनट, आप ऐसे सास बहू की तरह क्यों लड़ रही हैं? ये लोग सास बहू नहीं है। कर रहा ससुरा, आवा देखते हैं ये महिला पुलिस थाने वाला अपना घरेलू केस कैसे निपटाते हैं, हैं? अब कहा है कि प्रतियोगिता जीतना है तो थोड़ा सा मशक्कत तो करना होगा। सलामत है। का बोले? सब सलामत है, माता की दुआ है तो सर सब सलामत है। नहीं नहीं नहीं, तुझ पर लानत ही है। अम्मा बहुत हुआ बकैती, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। तुम्हारा पैसा है ना, ये लो तुम्हारा पैसा है, जो करना है करो, संतु साइन ले लो इनका। रिकॉर्ड कर। नहीं नहीं नहीं, अरे आप इनको पैसे नहीं दे सकते, इनको अगर आप पैसे देंगे ना तो ये दो दिन में फिजूल कर करके सब कुछ उड़ा देंगे। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तुमको अभी कार खरीदनी है? अम्मा इनका प्रॉब्लम इनका पैसा, इनको डिसाइड करने दीजिए ना क्या करना है ना। आपको किसने अधिकार दे दिया इनके घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने का? क्योंकि हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। नहीं नहीं हम सिर्फ बड़े हैं। हाँ तो बड़ों का अधिकार होता है ये, बच्चे अगर गलत राह पर जाने लगे तो उन्हें रोकना टोकना सही वक्त पे समझाना बहुत जरूरी होता है, बड़ों का फर्ज होता है वो। देखो भैया ये तुम्हारा जिंदगी है ना, तुमको पूरा अधिकार है कि तुम अपने तरीका से जियो, अपना फैसला लो और उस पर डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो करना करो। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं, आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। अरे एक मिनट, सब कुछ जब हो जाए ना तो लगे हाथ ही भी बता दीजिए कि पैसा का क्या करना है। अरे अगर पैसे नहीं बचाए गए ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बात है बहन जी, ये हुई ना मर्दों वाली बात है, मतलब हम सासों वाली बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर इन पैसों से कार नहीं आई तो
तो क्या? तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेबी। अरे पुत्र जाने दे उसको। हाँ ये कहीं जाने वाली नहीं, सिर्फ धमकियां देती है। देखा क्या कह रही है आपकी मम्मी जी, मैं धमकी देती हूँ आपको? अरे सही तो कह रही हूँ, ये एक नंबर की ड्रामेबाज है, सिर्फ धमकी देगी देखना, कभी नहीं जाएगी। अरे शान 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 प्लीज। जी मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इनका झगड़ा और भड़का दिया। मेरा घर टूट गया है आप दोनों की वजह से। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलो मम्मी जी आप यहाँ से चलो। पैसे मैं ही रखूंगी। पैसे तो मैं रखूंगी। देख ले फिर उसको। आप भी देख लो मम्मी जी को। यार मेरे नाल चलो तो सही, तुसी चलो। होप सो अब मैडम सर को ना पता चले इस ब्लंडर के बारे में। जी तो बताइए सास बहू की केस का कितना प्रोग्रेस हुआ है? कैसा केस मैडम सर, केस तो सॉल्व हो गया ना? क्या? हाँ उस सोम की माता जी जो थी ना, वो खुद के अपहरण का नाटक करवाई थी और खुद से ही खुद का अपहरण करवाई थी। तो राज खुल गया, केस सॉल्व हो गया। कंट्रोल कंट्रोल संतोष जी कंट्रोल। कुछ तो छुपाया जा रहा है संतोष शर्मा, सच बता दीजिए वरना पूरा दिन पेट पकड़कर खड़े रहेंगे। नहीं मैडम सर, ना ना। आप संतोष शर्मा हैं? बोलिए। अरे हम बताते हैं आपको सच। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे बताना क्या है, हम आपको दिखाई देते हैं। मोबाइल दे थोड़ा। ये रहा, ये देखिए। देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है, इसलिए जो करना करो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं, आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। अरे मैडम जी मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। क्या है ये सब? कौन कौन सूट किया है ये सब? अरे ये सब बिस खोपड़ा काम और कौन कर सकता है? नहीं नहीं मतलब हम अगर ऐसा किए होते तो आप हमको कहते। देखिए सूट किसने किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया है वो इम्पोर्टेंट। अरे सबको लगता था, हमें भी लगता था कि ऐसे सास बहू का घरेलू केस सुलझाने में आप लोगों को महारत हासिल है, एक्सपर्ट है आप लोग, लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टा बह रहा है ससुरा। अरे केस को सुलझाने के बजाय उल्टा केस को उलझा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ हमको, सैड फील हुआ, मिट्टी में मिला दिया है थाना का इज्जत। अब वो बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतना तो दूर, उसमें भाग लेना भी मुश्किल हो गया है आप लोगों का। अब थाना अध्यक्ष महोदय कैसे बचाएंगे अपना महिला पुलिस थाने का मान सम्मान इज्जत? कैसे दिलाएंगे आप अपना महिला पुलिस थाना को बेस्ट थाने का अवार्ड? कैसे होगा आपका नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा बुलंद? बताइए SHO हसीना मलिक कैसे? देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है, इसलिए जो करना करो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं, आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है, आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। चीती ये क्या हो रहा है? ये पुष्पा जी और करिश्मा मैडम का जो ये वीडियो है, क्लिपिंग है, ये पूरा वायरल हो रहा है, बड़े छोटे हर कोई इसे शेयर किए जा रहे हैं। सास बहू का मुद्दा धड़ल्ले से है ना ट्रेंडी होता जा रहा है। ये जो मैटर ट्रेंड हो रहा है सास बहू का मैटर नहीं है, मैटर तो जनरेशन गैप का है। दो पीढ़ियों के बीच में सदियों से चलता आ रहा सोच और नजरिए के समस्या का मुद्दा है ही संतोष जी, समझ रही हैं आप? ये समझ रही हूँ, समझ रही हूँ, समझ रही हूँ, समझ हम नहीं। पुराने जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, नए जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, इसीलिए सब बहस हो रहा है, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है संतोष जी।
चीता भाई, ऐसी बाइक पे कौन बैठता है इस तरीके से, ऐसे पीछे मुंह करके अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठता है? इसको कहते हैं जनरेशन गैप, बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम विपरीत। देखो कहा पुष्पा जी, किसका इंतजार कर रही हैं आप? इससे आगे बाइक नहीं जाता हम। हाँ हाँ भाई, उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। चीते संतु, उतारी अम्मा जी को, कंधा दीजिए। भट बीमार नहीं है हम, उतर सकते हैं। हाँ ठीक है, चीते हेल्प कीजिए संतु। संतु आजा जरा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देखिए बीमार नहीं है। अरे संभालो, संतु जी संभाल नहीं सकती हमें, दब जाती तो ही। आप दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? नहीं, ये हमसे मत पूछिए, ये पुष्पा जी से पूछिए। कल से अकड़ी अकड़ी घूम रही है हमसे, जैसे किसी ने मिर्ची के पानी में डिबो कर, निचोड़ कर, झटक कर इनको धूप में सुखा दिया हो। पूछिए इनका क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, जैसे इन्हें पता ही नहीं है दिक्कत क्या है। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिद्दी और घमंडी बहू जिसे सास की कुछ पड़ी नहीं है। शक्ल भी नहीं देखनी है हमें इनकी। अच्छा तो इतना ही परेशानी है ना घर इनको, हमसे तो हमारे साथ बाइक पे काय आती हैं आप। जैसे ही बाइक स्टार्ट होगा ना, बेताल की तरह आके फुर के हमारे बाइक पे बैठ जाएंगी। अब तो बाल भी बेताल जैसे लगने लगे हैं इनके। अब से आइए आप ऑटो पे और बस पे हमारे साथ नहीं आएंगी अब आप पुष्पा जी। देखिए हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ खुद की ऐसी हालत करते हुए बाइक पे बैठ के आने की। वो तो हम खर्चा बचाने की कोशिश करते, एक ही जगह से निकलना है, एक ही जगह पे आना है, तो क्यों खामखा बाइक का पेट्रोल और ऑटो दोनों पे अलग अलग खर्चा करें? इसीलिए हम यहाँ पीछे बैठ के आते हैं, रोज बचत करनी पड़ती है, चद्दर देख के पैर पसारने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए और 2000 के काले चश्मे लेकर आए धूप के। नहीं नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ तो ठीक है पुष्पा जी, अब से ना आप पैदल आएंगी और जो गोलगप्पा खाती है ना सुबह उसको बचाएंगी। अब से हमारे बाइक पे ना आप नहीं बैठेंगी, देख लीजिएगा। पुष्पा जी, मैडम मैडम छोड़िए ना, शांत हो जाइए ना, कहीं से आप लोग लड़ रहे, इतना सब कुछ हो गया, आप तो शांत हो जाइए। क्या हो गया इतना सब कुछ? अच्छा तो मतलब आप दोनों को वीडियो के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला? वीडियो? कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? ओ मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इन दोनों का झगड़ा और भड़का दिया है। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। इसकी मैया का सासू मैया, किसका हिम्मत हुआ ये वीडियो वायरल करने का? किसका हरकत है ये? शायद बुलबुल पांडे। बहुत बढ़िया, बुलबुल पांडे ना, बुलबुल पांडे। उसको पता नहीं है कि ऐसा बेजा और नजायज हरकत करने का क्या अंजाम होता है। उसको बताएंगे हम, उसका धुलाई करके वो वीडियो बनाएंगे और वायरल कर देंगे हम पूरा दुनिया में, फिर पता चलेगा उसको। और उससे क्या हो जाएगा करिश्मा से? हमारे थाने की इमेज पर जो हर्फ आया है वो मिट जाएगा। हर्फ मतलब? हमारे थाने की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो सब कुछ मिट चुका है वो वापस आ जाएगा। हायर अथॉरिटीज जवाब मांग रही है करिश्मा सिंह। वो जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अच्छा, हमारा गलती है पुष्पा जी। नहीं मैडम सर, आप हमें एक बात बताइए, हमारे थाने में एक केस आता है, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, हमको पता चलता है किडनैपिंग का केस है, फिर पता चलता है फेक किडनैपिंग हुआ है, जो माँ है उसने खुद को ही किडनैप कर लिया है। मामला साफ हो गया ना, केस सॉल्व हो गया। अब ये हमारी पुष्पा जी, इनको क्या जरूरत थी चलती ट्रेन पकड़ने की? इन्होंने सास को भड़काया, उसको उकसाया, और वो इतनी भोली प्यारी, इतनी मासूम सी जो बहू थी ना, उन पे ये दोनों ना चढ़ गई बिल्कुल। हाँ तो चढ़ना पड़ता है मैडम सर, जब बहू अपनी मनमानी पर उतर आए, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाए, छोटी छोटी फालतू बेकार की चीजों पर बेवकूफों की तरह पैसा बहाना शुरू कर दे, तो उसको चढ़ना पड़ता है। नहीं चलिए मान लिया कि हम बीच में घुस गए, मगर ये इनसे पूछिए ना, इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? रुकिए रुकिए रुकिए, सॉरी सॉरी, वो मैं सारे दरवाजे बंद करी थी कि दोबारा कोई वीडियो ना बना ले। पुष्पा जी कंटिन्यू। स्मार्ट। हाँ तो हम कह रहे थे कि इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? पूछिए पूछिए। हो गया आप दोनों का, हो गया सास बहू की तरह लड़के। मैडम सर, सास बहू ही है। थैंक यू याद दिलाने के लिए, इट्स ओके। जी अम्मी। हाँ अम्मी, हम बस निकल ही रहे हैं शॉपिंग के लिए। जी
आप दोनों जो कुछ भी हैं इस थाने के बाहर हैं और इस वर्दी के बिना हैं। ये पुलिस थाना है, ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आप हैं SI करिश्मा सिंह और आप हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। यहाँ पर आप दोनों का कोई और रिश्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबका सिर्फ एक रिश्ता है, वर्दी का ड्यूटी से। इसलिए आप ये अपनी सास बहू की बकवास को साइड में रख के सिविलाइज्ड ऑफिसर्स की तरह बिहेव करिए प्लीज। माफ कीजिएगा मैडम सर, गलती हो गया हमसे भी। और ये जो सारा रायता है ये आप दोनों ने फैलाया है, इसलिए इसे समेटने की जिम्मेदारी भी आप दोनों की ही है। कैसे करेंगी क्या करेंगी हम नहीं जानते, लेकिन ये मामला आप सुलझाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी आपसी तनातनी इस तलखी को भूल कर इसे साइड में रखकर एक टीम की तरह काम करें, तभी अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। चलिए हाथ में लाइए तलखी। अरे तलखी मतलब वही होता है ना संतू जी, जो भी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगे। आपने सुना, हाथ में लाइए। ये नहीं मिला रही, हम दे रहे हैं। पुष्पा जी आप लोग जा सकते हैं। जय हिंद मैडम सर। चलिए जय हिंद मैडम सर। जय संतोष शर्मा जी। मैडम सर आप कहाँ जा रही हैं? आपने कहा ना जाइए, तो मैं घर जा रही थी, कारपेंटर को बुलाना था, वो भी दरवाजे से कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है। बाप रे बाप, अभी तक ठीक नहीं हुआ संतोष जी। आप संतोष शर्मा हैं? संतोष शर्मा, इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक यहाँ पर सब कुछ आप संभालेंगे। डोंट वरी मैडम सर, नहीं होगा दोनों के बीच झगड़ा। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है सर। कैसे आना हुआ? प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बताइए हसीना जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा नहीं सर, मुझे एक्चुअली एक छोटा सा फेवर चाहिए। बेझिझक कहिए। देखिए, किसी भी मुश्किल बात को कहने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे कह देना चाहिए। कहिए। ओके। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी। वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.